हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही क्रिस्पी एंड मज़ेदार नाश्ता लेकर आई हूँ। वो बहुत ही टेस्टी नाश्ता है और आपके बच्चे को बहुत ही पसंद आएगा। तो इस नाश्ते को बनाना बहुत ही आसान है, एकदम आसानी से ये नाश्ता बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इस नाश्ते को कैसे बनाते हैं और इस नाश्ते को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है। अभी बोल पे एक कप मैदा डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कप मैदा लिया है, वो डाल दिया है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चम्मच शुगर पाउडर लिया है, यानी कि पिसी हुई चीनी ले ली है, वो डाल देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बड़े चम्मच से ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल, और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। हमारा जो मैदा है कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे और पानी डाल के एक सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो इस तरह करके एक सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक सॉफ्ट सा डो बना ली है। तो ये इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए। उसके बाद ढक्कन से ढक कर रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि ये सेट हो जाए अच्छी तरह से। तो आधा घंटा हो चुका है, ढक्कन को हटा देंगे और हमारा डो चेक करेंगे। तो देखिए ये एकदम सेट हो गया है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से फिर से थोड़ा गूंथ लेंगे। मैंने मैदे को अच्छी तरह से गूंद लिया है और अभी मैंने यहाँ पे एक बेलन ले लिया है। इसमें मैदे को इस तरह से थोड़ा रोल कर लेंगे और चाकू की मदद से तीन भाग कर लेंगे इसका। और उसके बाद एक एक करके इस तरह से कर लेंगे और इस तरह से हाथ की मदद से इसे सेट कर लेंगे, यानी कि एक टिक्की जैसा बना लेंगे। सो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक टिक्की जैसा बना ली है। अभी एग को इस तरह से लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद बेलन की मदद से इस तरह से हल्का हल्का इसे बेल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है, रोटी बना ली है। अभी इसको साइड पे रख देते हैं और फिर से एक टिक्की ले लेते हैं और इसको भी अच्छी तरह से रोटी जैसा बना लेते हैं। तो इस तरह करके सभी को बेल लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे इस तरह से बेल ली है। तो इसको इस तरह से रख दिया है। तो अभी क्या करेंगे, एक रोटी के ऊपर और एक रोटी को रखेंगे और फिर से एक रोटी के ऊपर और एक रोटी को रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे तीन रोटी को एक साथ रख दिया है और उसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे इस तरह से। और सेट करने के बाद बेलन की मदद से इस तरह से हल्का हल्का इसे बेल लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छी तरह से बेल लिया है। अभी क्या करेंगे, इसको एक चाकू की मदद से अच्छी तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए आप, मैं इसे कैसे कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आप लोगों को इसे कट कर लेना है।
तो मैंने इसे इस तरह से कट कर ली है। अभी एग को इस तरह से उठाएंगे और इसमें रख देंगे और इसको इस तरह से एकदम हल्का हाथ से इसे इस तरह से रोल कर लेना है और थोड़ा पानी लगा के इसे इस तरह से सेट कर लेना है ताकि फ्राई करते समय इसे ये निकले ना। इसीलिए तो इस तरह से मैं आपको फिर से एक दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आपको हल्का हल्का हाथ से इस तरह से रोल करके पानी लगा के और इसे इस तरह से कर लेना है। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह करके सभी को बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी नाश्ते को बना लिया है। अभी इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए चलते हैं गैस की ओर। तो गैस पे मैंने पहले से ही ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है और अभी हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। इसमें एक एक करके नाश्ते को डाल देंगे। तो इस तरह करके सभी नाश्ते को डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी नाश्ते को डाल दिया है। अभी गैस के फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और उसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। 5 मिनट के बाद इसे थोड़ा पलट देंगे। तो इसको इस तरह से थोड़ा पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अभी गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। आप देख सकते हैं मैंने 2 मिनट के लिए इसे रख दिया था और ये अच्छी तरह से हल्का सा फ्राई हो चुका है। अभी इस तरह से उलट पलट के इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो मैंने इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर ली है। देख सकते हैं हमारा जो नाश्ता है वो बनकर तैयार है। अभी इसको एक प्लेट पे निकाल लेते हैं और इस तरह से सभी नाश्ते को बना लेंगे। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से सभी नाश्ते को बना लिया है और ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है। ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है और आप इसे 1 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होगा, आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। तो आप भी इस नाश्ते को एक बार ज़रूर बनाइए और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।